नमस्कार दोस्तों, केके स्टूडियोज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इन एजेंसीज के लिए काम करने वाले इंटेलिजेंस एजेंट की हैरत अंगेज कर देने वाली कहानियाँ अक्सर किसी फिल्म या कहानी में दिखाई जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे ही जावाज जासूस रविंद्र कौशिक के बारे में। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस जासूस की कहानी शुरू होती है सन 1952 से, जब 11 अप्रैल को राजस्थान के श्री गंगानगर में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्री गंगानगर के काफी नजदीक है। रविंद्र कौशिक के पिता जेएम कौशिक इंडियन एयरफोर्स में थे और रिटायर होने के बाद वो श्री गंगानगर के एक मिल में काम करने लग गए। रविंद्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गंगानगर की एक सरकारी स्कूल से की। इसके बाद वो श्री गंगानगर के ही एक प्राइवेट कॉलेज से बीकॉम करने लगे। इसी कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उनका रुझान अभिनय की तरफ हो गया और वो अक्सर कॉलेज में होने वाले ड्रामा और थिएटर में पार्टिसिपेट करने लगे। अपने अभिनय के लिए पूरे कॉलेज में फेमस हो गए थे। ऐसे ही लखनऊ के एक कार्यक्रम में जब वो अभिनय कर रहे थे तो भारतीय खुफिया एजेंसी के रॉ के एक अधिकारी ने उनको बतौर एक इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ में शामिल होने के लिए प्रस्ताव रखा, जिसे रविंद्र ने खुशी से स्वीकार कर लिया। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो दिल्ली चले गए, जहां 2 साल तक उनकी ट्रेनिंग चली। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू भाषा सिखाई गई और पाकिस्तान के कल्चर और वहां के अंदरूनी हिस्सों की जानकारी भी दी गई। दोस्तों, उनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त और परफेक्ट थी कि एजेंट बनने के लिए उन्हें बाकायदा इस्लाम धर्म को अपनाना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी सुन्नत भी की गई। 1975 में उन्हें एक भारतीय खुफिया मिशन के तहत पाकिस्तान भेजा गया, जहां उनकी पहचान इस्लामाबाद के एक निवासी नवी अहमद शाकिर के तौर पर दी गई। जल्द ही पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में उन्हें दाखिला मिल गया और जहां से उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की। एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद रविंद्र पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गए, जहाँ जल्द ही वो एक मेजर की पोस्ट पर प्रमोट हो गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात अमानत से हुई। अमानत के पिता आर्मी के एक यूनिट में दर्जी का काम करते थे। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। अमानत से रविंद्र को एक लड़की भी हुई। दोस्तों, 1979 और 1983 के बीच उन्होंने कई अहम जानकारियां भारत को दी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 1983 में इनायत मसीहा नामक एक अन्य भारतीय एजेंट की लापरवाही की वजह से रविंद्र कौशिक का खुलासा हो गया और उन्हें पाकिस्तान की एक जेल में बंद किया गया। 1985 में उन्हें पाकिस्तान की अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई, लेकिन 1990 में उसे उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया गया। रविंद्र कौशिक ने अपने जीवन के आखिरी 18 साल पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बिताए। इस दौरान उन्होंने अपने घर वालों को कुछ चिट्ठियां भी लिखीं, जिनमें वो अपने ऊपर होने वाले टॉर्चर के बारे में बताते थे। अपनी कुछ चिट्ठियों में उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी नाराज़गी भी जाहिर की। जैसे कि एक चिट्ठी में वो लिखते हैं कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। ऐसे ही दूसरी चिट्ठी में वो लिखते हैं, अगर मैं एक अमेरिकन होता तो 3 दिन के अंदर जेल से बाहर आ जाता। पाकिस्तान की जेल में रविंद्र टीवी और हार्ट की बीमारी की चपेट में आ गए और 21 नवंबर 2001 को पाकिस्तान की सेंट्रल जेल में उनकी डेथ हो गई। रविंद्र की मौत की खबर सुनकर उनके पिता को इतना गहरा सदमा लगा कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोस्तों, रविंद्र के छोटे भाई राजेश्वर नाथ कौशिक और उनकी माँ अमला देवी ने रविंद्र की रिहाई के लिए इंडियन गवर्नमेंट से काफ़ी गुहार लगाई, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, रविंद्र कौशिक की फैमिली ने 2012 में आई सलमान खान की बॉलीवुड फिल्म एक था टाइगर को रविंद्र की लाइफ के ऊपर बेस्ड होने का दावा किया। 2019 की एक अन्य बॉलीवुड फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर भी रविंद्र कौशिक की लाइफ से इंस्पायर्ड मानी जाती है, जिसमें उनका रोल जॉन अब्राहम ने प्ले किया। दोस्तों, रविंद्र कौशिक के छोटे भाई राजेश्वर नाथ कौशिक जयपुर में रहते हैं और रविंद्र की मेमोरीज को याद करते हुए कहते हैं, रविंद्र हमेशा मेरे लिए खास रहेंगे, लेकिन देश के लिए वो सिर्फ एक काम इंटेलिजेंस एजेंट ही थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल के स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।